श्री गणेशाय नमः। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाले परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही है। हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी के यह कथन सुनकर के बड़ा अमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़ के घसते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। इसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष या गंधर्व क्यों न हो, वह उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं शुंभ इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँच कर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़ कर घसटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवियों के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनको और उनकी ओर दौड़ा। अब अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो वह क्रोध भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों के शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ की। इतने में वही देवी का वाहन सिंह क्रोध भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने स्वयं कुछ दैत्यों की फौजों की मार से दैत्यों की पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ऊँटों के दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने की पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं तथा मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर ही असुरों की भारी सेना को संहार कर डाला। सुम ने जब सुना कि देवी धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ऊँट काँपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, ही चंड और मुंड तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर के वहाँ जाओ। उस देवी को झूठे पकड़ कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसकी लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उष्ट दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार से मार्कंड पुराण में सवर्ण मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ।